वेलकम टू सजीर भाई टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है 110 सीसी वाला मॉडल और इस बाइक में इंजन का साउंड ख़राब है। तो मैंने देखा इस बाइक का जो साउंड है टाइमिंग चेन हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ टाइमिंग चेन अगर ख़राब हो जाता है तो किस तरह से साउंड करता है और इसके लिए हम लोग क्या उपयोग करें। तो यानी कि कुछ चीज़ आप लोगों को डिटेल दिखाता हूँ उसके बाद आप लोगों को साउंड दिखाता हूँ। गाइस यानी कि कुछ मैकेनिक हम लोगों का गलती कर देता है। देखिए ये जो गियर शाफ्ट है मुझे मजबूरी में काटना पड़ा क्योंकि टाइमिंग चेन अगर हम लोग इंस्टॉल करें तो मैग्नेट हम लोगों को खोलना पड़ता है और मैग्नेट खोले तो इसी साइड में हम लोग का होता है एक जैसे गियर लीवर। तो गियर लीवर अगर ओपन ना करे तो हम लोग का एक कवर नहीं निकलेगा और कवर ना निकले से मैग्नेट नहीं निकलेगा। तो ये झलाई करना सही बात नहीं है। अगर स्पार्क्स नहीं मिल रहा है तो उस वक्त झलाई कर सकते हैं बाइक को चलाने के लिए मजबूरी में, बट अगर आपके पास शहर में अगर पार्ट्स मिल रहा है तो झलाई आप लोगों को मत करना है। एक दिन बाइक को रख देना है अभी भी हम लोग खोलें तो इसमें जिसमें कि ओपन करा जाए और फिटिंग करा जाए। तो अगर मैंने तो ओपन किया है इसको कटा है क्योंकि टाइमिंग चेन इंस्टॉल करेंगे फिर, बट मुझे ये गियर शाफ्ट और गियर लीवर और गियर शाफ्ट हम लोग को बदलना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बाइक का साउंड क्वालिटी दिखा देते हैं। एक्चुअली बाइक में टाइमिंग चेन ख़राब होने का कारण साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि इंजन का साउंड जो है खचमच कर रहा है। तो अगर खचमच करे तो हम लोग को टाइमिंग चेन जैसे कि ढीला है इसका कारण हो रहा है और किट किट करे तो पिस्टन ख़राब होता है और छिड़ करे तो रॉकर एडजस्ट हम लोग को करना पड़ता है, रॉकर का गाइड ये सब देखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग का टाइमिंग चेन इंस्टॉल करेंगे तो हमने इसको कट दिया है, चलिए खोलते हैं। यानी कि गाइस हमने खोल लिया है, देखिए इसको हमने कटा और ओपन कर लिया है। देखिए यानी कि क्लच चैम्बर भी हम लोगों को खोलना पड़ा है और जो गियर शाफ्ट है इसी साइड से हम लोगों को निकलता है। तो यानी कि हम लोग अभी मार्केट में देखेंगे जो मिल रहा है कि नहीं। तो गाइस अभी मार्केट में हमारे यहाँ जितना भी स्पेयर्स का दुकान था सभी लगभग मैंने देखा तो नहीं मिल रहा है। अब क्या करें, फिर भी हम कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ से 22 किलोमीटर मालदा टाउन है, वहाँ जाएंगे बाइक लेके और हम कोशिश करेंगे जो मिल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग वीडियो, जो हमारा मालदा टाउन क्या है और मालदा टाउन में इस बार कहाँ मिलता है। तो ब्लॉग चैनल के लिए एक वीडियो बनाएंगे, उस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से निकलेंगे और ब्लॉग बनाएंगे। तो गाइस मैंने बहुत ही मुश्किल से लाया हूँ गियर शाफ्ट, और कहाँ से जाके लाया, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर हमारा मालदा टाउन है वहीं से जाके लाया हूँ। यानी कि यह है हम लोग का टाइमिंग चेन और इसका पार्ट नंबर है ये, देखिए देख लीजिए NA010030 और गियर शाफ्ट का पार्ट नंबर है N8080530। यानी कि 287 रुपये इसका कीमत है और टाइमिंग चेन का कीमत है 263 रुपया। ये जो गियर शाफ्ट मैंने कट दिया है, अब हम क्या करेंगे, मार्केट से मैंने तीन गाड़ियों का लाया हूँ। ग्लैमर बाइक का है और सुपर स्प्लेंडर बाइक का है, पल्सर का है और एक और भी बाइक का है। तो चलो कौन सा लगेगा मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। तो चलिए वीडियो में जुड़ा रहिए, सभी आप लोगों को फिटिंग दिखाएंगे। गियर शाफ्ट में हम लोग का सिर्फ ये वाला बूस आता है लेकिन स्प्रिंग नहीं आता है, तो स्प्रिंग हम लोग को पुराना लगाना पड़ेगा। तो चलो सैमसंग मॉडल है कि गियर शाफ्ट है ओरिजिनल और इसमें स्प्रिंग जो है गाइस स्प्रिंग नहीं आता है, स्प्रिंग हम लोग को डालना पड़ता है, सिर्फ बूस आता है। तो चलिए स्प्रिंग हम खोलते हैं। यानी कि दोनों स्प्रिंग को खोल लिया है, अब हम लोग एक एक करके लगाएंगे।
अब इस वाले को लगाएंगे। बस चलो भरते हैं। बस और ये हम लोग का काम करेगा। एक रिंग लगा के अगर हम लोग इस पॉइंट को अगर सीधा करें इसके सीधा, तो ऑटोमेटिक हम लोग का पिस्टन टॉप में आ जाता है। अभी यानी कि टॉप पर है। अब इसको हम लोगों को इसी हिसाब से रखना है। ये वाला पॉइंट जो है सीधा रहेगा। यानी कि टाइमिंग चेन अभी हम लोगों का जाम जा रहा है। ठीक है, मार्तुल दीजिए। बस अब पिस्टन को थोड़ा टॉप में करेंगे। बस यानी कि टॉप पर हो चुकी है और चलेंगे इस पॉकेट हम लोग लगाएंगे। यानी कि एक घंट रॉन्ग है। अब रॉन्ग को कैसे ठीक करें, यानी कि इस तरह से एक घाट हम लोग टाइमिंग को सीधा करेंगे। देखिए इसका टाइमिंग हमने किस तरह से रखा। देखिए लेफ्ट राइट ऊपर पॉइंट इसका साथ और नीचे मैग्नेट का जो लॉक है ये सीधा सीधी रखने से ऑटोमेटिक हम लोग का फिटिंग हो जाता है। और रॉकर भी आप लोगों को हिला के दोनों को देखना है जो रॉकर हिल रहा है कि नहीं। तो यानी कि टाइमिंग हम लोग का बन गया। चलो फिटिंग वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। अब आप लोगों को दिखाता हूँ रॉकर का पोजीशन क्या है। तो ऊपर नीचे करके हम लोगों को रॉकर देखना है। 0.8 mm रखना है। मेरा रॉकर ठीक है, अगर आप लोगों का टाइट लगे तो 0.8 mm रख देना। ये जो हुंडा साइन की गियर लीवर है, हुंडा साइन, और एक गियर लीवर कुछ इस तरह का आपका लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ से घिसाई करके कट दिया है। अब हम लोग फिटिंग करेंगे कैसे, यानी कि इस चीज़ को हम लोग लगाएंगे इसी हिसाब से इसी जगह पर। इसका मतलब ये जो घड़ी है ना, इसका ये जो कनेक्शन है यहाँ गियर शाफ्ट का इसी जगह पर है। तो यानी कि हम लोग इसी जगह पर फिट करेंगे और यहाँ हम लोग को पॉइंट मारना पड़ेगा। तो चलो पॉइंट मार के भेजता हूँ और ये आसानी से फिटिंग हो जाएगा। मैंने देखा है और सेम यही मॉडल है। तो यानी कि ये हम लोगों का जलाई यहाँ से करने से हम लोगों का काम। गाइस ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट से मुझे नहीं मिला ओरिजिनल और लोकल भी, तो इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। यानी कि हमने पॉइंट मार लिया है
और आप लोगों को शेडिंग करके दिखाता हूँ, ये एकदम दौड़ेगा। देखिए कटंग कटंग करके, यानी कि लग भी नहीं रहा है, दौड़ा है। चलो नाट बोल्ट कर देता हूँ। बस न्यूट्रल गियर 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 गियर, यानी कि हम लोगों का इसी से काम करेगा और गियर मारने भी हम लोगों का सुविधा होगा, एकदम आसान तो हो गया। तो चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं, सब फिटिंग हो गया है, इंजन ऑयल डालेंगे और बाइक को स्टार्ट करेंगे। साउंड क्वालिटी आप लोगों को दिखाएंगे जो कैसा साउंड आ रहा है टाइमिंग चेंज फिट होने के बाद। तो चलिए वीडियो में जुड़ा रहिए। यानी कि ये जो बाइक है मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब आप लोगों को स्टार्ट मार के दिखाता हूँ इसका साउंड क्वालिटी कैसा आया है। यानी कि साउंड बहुत ही बढ़िया आया है। तो गाइस आप लोगों ने देखा बाइक का कंडीशन बहुत ही ख़राब था, टाइमिंग चेन ख़राब था और कुछ मैकेनिक ने कोशिश भी किया था बट गियर लीवर झलाई था। तो हमने क्या किया, 22 किलोमीटर दूर जाए गियर शॉप लाया, उसके बाद गियर लीवर भी नहीं मिल रहा था, फिर हुंडा साइन बाइक का जो गियर लीवर था उसे हमने सेटिंग किया और बाइक में कम्प्लीट हो गया है। तो मैकेनिक भाई को कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तभी बाइक हम लोगों का जैसे कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देता है और बाइक चलता है। तो यानी कि इस बाइक को मैंने कंप्लीट कर दिया। तो गाइस अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहा है और हमारे क्षेत्र में है वेस्ट बंगाल से, तो आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। तो इस जगह का नाम है वेस्ट बंगाल मालदा कलियाचक अंतारी पाड़ा, आप लोग आ सकते हैं। तो गाइस यहीं से हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। तो वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए यहाँ से वीडियो हम समाप्त करते हैं।